हेलो जनता। तो आज हम है जो मैंने एक प्रीवियस वेज पफ का वीडियो बनाया था पूना बेकरी का, उनका एक टफ कॉम्पिटिटर बहुत ही पुराना संतोष बेकरी। यहाँ पे फेमस है इनके बेकरी प्रोडक्ट्स एंड सबसे फेमस इनका वेज पफ आलू का जो होता है। आप देख सकते हैं जो भी लिखा हुआ है यहाँ पे इनका प्राइस लिस्ट है। तो जिनको मराठी पढ़ने नहीं आती उन्होंने लिखा है ब्रेड, मोटा ब्रेड, ब्रेड ब्रेड लहान मतलब छोटा ब्रेड, बन पाव, लादी पाव मतलब पूरा एक लादी पाव का, क्रीम रोल, पैटिस जो हम खाने वाले हैं, काजू बिस्किट, खोबरा बिस्किट, जाम बिस्किट, खोबरा केक, वाटी केक, पियाची खारी, बॉम्बे खारी, टोस्ट, जीरा टोस्ट और अमूल बटर। और सभी लोगों ने मास्क पहने हैं। ये है इनका ओवन, जैसे कि जूम करके दिखा रहा हूँ मैं, तो वहाँ से फ्रेशली ब्रेक खारी पैटिस ये सब निकल रहा है। ट्रेज इतने सारे आप देख सकते हो, भीड़ भी होती है यहाँ पे काफ़ी। तो खाएंगे इनका वेज पफ और बताते आपको कैसा है। ये है आपटे रोड पे, इसका लोकेशन भी मैं दे दूंगा, लेकिन आपटे रोड के सामने ही जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे है संतोष बेकरी। तो लेट्स ईट एंड लेट यू नो हाउ इट इज़। तो ये है हमारा वेज पफ जो आ चुका है फ्रेश एंड हॉट। तो पुणेकरांचं फेवरेट, पुणेकरांचं आवडता संतोष बेकरीची पॅटीस। देखिए साइज काफ़ी बड़ा है और आलू का मसाला है इसके अंदर, बहुत ही गर्म है इसलिए मैंने एजेस पर पकड़ के रखा है। तो पहले मैं साइड से टेस्ट करता हूँ कि इसका जो पैटिस का ये बाहर का कोटिंग है कैसा है। बाहर का कोटिंग जो है काफ़ी च्यूवी है, थोड़ा क्रिस्प है बाहर से और च्यूवी काफ़ी है। अभी टेस्ट करेंगे मसाले का साइड। प्योर आलू का मसाला है इसके अंदर। बहुत गर्म है, मेरे को ठीक से मसाला टेस्ट करने दो। हाँ, काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्लेवर है भाई, काफ़ी इंटरेस्टिंग। जैसे आप देख सकते हो ये लोग भी वटाने डालते हैं, सफ़ेद वटाने हैं ये। अभी वटाना मतलब जैसे आप कह सकते हो चना, तो वटाने को अभी हिंदी में एग्जैक्टली क्या बोलते हैं पता नहीं, बट आई एम गेसिंग कि ये सफ़ेद चने जैसा है, ठीक है। और काफ़ी इंटरेस्टिंग फ्लेवर है, बहुत सारे मुझे स्पाइसेस मेरे पैलेट पे फील हो रहे हैं। मैं फिर से और एक बाइट लेता हूँ टू एक्सप्लेन यू। लिटिल बिट ऑफ गार्लिक, लिटिल बिट ऑफ स्पाइस, थोड़ा सॉल्टी एंड पे, कोरिएंडर है, पॉपिंग सीड्स है, जिसका आई गेस इन लोगों ने जो बनाया है अंदर का मसाला, वो मसाला बना के इसके ऊपर एक तड़का दिया है, इसलिए पॉपिंग सीड्स वगैरह है। गार्लिक की हिंट ज़्यादा है इसके अंदर और बहुत ही टेस्टी आलू मसाला है इसके अंदर। बहुत ऐसे हार्श नहीं है लेकिन बहुत माइल्ड भी नहीं है, थोड़ा स्पाइसी नोट पे है। स्पाइसी एज इन आपके पसीने तो बिल्कुल नहीं छूटने वाले, इट्स जस्ट अ गुड स्पाइसी नोट विच दे हैव गिवन। वेरी हॉट एंड यम्मी टू ईट, फ्रेश पैटिस। नो ऑनियन हियर, रियली नाइस। देखो मैं कॉन्ट्रोवर्शियल जवाब नहीं देने वाला कि संतोष बेकरी अच्छा है या पूना बेकरी अच्छा है। संतोष बेकरी इज़ ऑल्सो वेरी पॉपुलर इन पुणे एंड अमंग्स एवरी वन,
ओल्डर से लेके यंगस्टर्स सब लोगों को पसंद आता है ये, तो डू विजिट संतोष बेकरी, आइए खाइए एंड यू बी द जज कि कैसा है फ्लेवर. एट द एंड ऑफ द डे आई एम फूडी एंड आई लव दिस, आई लव दैट एज वेल. वेरी डिप्लोमेटिक बनते हुए इस वीडियो को ख़त्म करेंगे. बाय.